नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल्टी अनबॉक्सिंग पर, ऑल अबाउट रियल एस्टेट। आशा करते हैं कि आपको हमारे सारे प्रोजेक्ट अनबॉक्सिंग वीडियोस पसंद आ रहे हैं। रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स जो आसानी से आम आदमी को समझ नहीं आती, स्पेशली उन्हें जो पहली बार घर खरीद रहे होते हैं। आपकी इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम अपने चैनल के इस सेक्शन में ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स की बातें करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये जानकारी काफ़ी यूजफुल हो। आज हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इंडस्ट्री में काफ़ी बार यूज़ किया जाता है, वो है पेमेंट शेड्यूल। तो आइए जानते हैं क्या होता है पेमेंट शेड्यूल। जब भी हम कोई फ्लैट बुक करते हैं तो हम एक पेमेंट शेड्यूल डिसाइड करते हैं। डेवलपर के पास एक प्री डिसाइडेड फॉर्मेट होता है जिसमें कई बार हम कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट शेड्यूल और सबवेंशन स्कीम सुनते हैं। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट शेड्यूल यानी कि CLP एक ऐसा पेमेंट मेथड है जिसमें डेवलपर आपसे पेमेंट लेते हैं कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेस के हिसाब से। मतलब जैसे जैसे ही कंस्ट्रक्शन होता है वैसे ही आप पेमेंट करते हैं। ये एक प्री डिसाइडेड फॉर्मेट होता है जो डेवलपर आपको बुकिंग के समय देते हैं। इसे स्लैब वाइज पेमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप पहली पेमेंट करते हैं बुकिंग के वक्त 10%, फिर प्लिंथ लेवल पे 15%, फिर आप फर्स्ट स्लैब पे 5% पे करते हैं, फोर्थ स्लैब पे 5% एंड सो ऑन। इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। इसका फ़ायदा यह है कि आप अपने फ्लैट के कंस्ट्रक्शन का अपडेट अच्छे से रख सकते हैं और जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है आप उतनी ही पेमेंट करते हैं। इसमें आपका रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है। इसका नुकसान ये है कि ज़्यादातर कस्टमर्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में CLP पेमेंट मेथड इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि उन्हें फंड्स अरेंज करने का समय मिल जाए। लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स CLP पेमेंट मोड में तकरीबन 80% अमाउंट 1.5 से 2 साल के अंदर ही ले लेते हैं, जिस वजह से कई बार कस्टमर्स के ऊपर जल्दी पेमेंट करने का लोड आ जाता है। सेकेंड पेमेंट मेथड है सबवेंशन पेमेंट स्कीम। तो आइए जानते हैं सबवेंशन पेमेंट स्कीम के बारे में। ये आजकल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी लोकप्रिय है। इस पेमेंट स्कीम के दो टाइप होते हैं, पहला है बिल्डर सबवेंशन पेमेंट स्कीम और दूसरा है बैंक सबवेंशन पेमेंट स्कीम। बिल्डर सबवेंशन पेमेंट स्कीम में 10 से 20% अमाउंट क्लाइंट को बुकिंग के समय ही पे करना पड़ता है और बाकी का 80-90% अमाउंट पोजेशन के समय। इस पेमेंट स्कीम के भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। इसका फ़ायदा ये है कि क्लाइंट को फंड्स अरेंज करने का समय मिल जाता है और उनका रिस्क फैक्टर भी काफ़ी कम हो जाता है। इस पेमेंट स्कीम का नुकसान ये है कि क्लाइंट को नॉर्मल पेमेंट मेथड से ज़्यादा पे करना पड़ता है। यूजुअली जिस फ्लैट की कॉस्ट 50 लाख रुपीज़ है, बिल्डर्स उसकी प्राइस 60 लाख्स तक रखते हैं। दूसरा सबवेंशन पेमेंट स्कीम है बैंक सबवेंशन पेमेंट स्कीम। इसमें भी 10 से 20% अमाउंट क्लाइंट को बुकिंग के समय पे करना होता है और बाकी का 80-90% अमाउंट बैंक से लोन लिया जाता है, बट इसमें प्री EMI बिल्डर्स पे करते हैं। इस पेमेंट मेथड में कई सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से RBI ने इस स्कीम को कई समय तक रोक दिया है, इसीलिए बहुत सारे बिल्डर्स इस पेमेंट स्कीम का ऑप्शन नहीं देते। इसका फ़ायदा ये है कि क्लाइंट के ऊपर बर्डन कम होता है क्योंकि उन्हें प्री EMI पे नहीं करनी पड़ती और उनका रिस्क फैक्टर भी काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन इस पेमेंट स्कीम का ये नुकसान है कि इसमें भी प्राइस ज़्यादा ही होती है एज़ कम्पेयर टू अ CLP पेमेंट मेथड। इस पेमेंट स्कीम का एक ये भी नुकसान है कि लोन क्लाइंट के नाम पर ही होता है, तो किसी वजह से अगर फ्यूचर में बिल्डर ने प्री EMI पे नहीं की तो क्लाइंट को ही प्री EMI पे करनी पड़ सकती है, जिस वजह से प्रोजेक्ट भी रुक जाता है। ये पोजीशन क्लाइंट्स के लिए बहुत बुरी हो जाती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती और उन्हें प्री EMI भी पे करना पड़ता है। इसलिए RBI ने इस पेमेंट स्कीम को डिसकंटिन्यू किया है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल रियल्टी अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। थैंक यू।